पूर्णिया लोकसभा की सीट महागठबंधन की राजद के कोटे में गई है। जदयू से इस्तीफा देने वाली विधायक बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा की सीट के लिए राजद से टिकट प्राप्त हुआ है। पूर्व विधायक राजद के कद्दावर नेता दिलीप यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीमा भारती ने कहा कि मुझे सिंबल देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव जी ने भेजा है। मैं लगातार 5 बार विधायक रही हूँ, इस लोकसभा चुनाव में मेरी कोई टक्कर नहीं है। वहीं अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव के लिए अब राह कठिन हो गई है। वो चुनौती नहीं है और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है गरीब के मसीहा है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री उनका आशीर्वाद मिल गया है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस में पप्पू यादव भी कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव होगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे? उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है और हमको जो आशीर्वाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं आदरणीय हैं गार्जियन हैं उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे। गार्जियन बनके कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि पूर्णिया में महागठबंधन में ही टकराव हो रहा है? कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नॉमिनेशन कब हो रहा है? नॉमिनेशन 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। क्या जदयू के जो है वर्तमान सांसद उनसे उनको कितना चुनौती मांग रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, किसी से हमको चुनौती ही नहीं है। क्या जदयू के भी कार्यकर्ता का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है, सभी का प्यार स्नेह पूर्णिया के जनता का से कार्यकर्ता जनता का सभी का प्यार मिल रहा है। भागलपुर के पीरपैती के दुबोली गांव में होली खेलने के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट और गोली फायरिंग। पीरपैती थाना क्षेत्र के दुबोली गांव में दो पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर मारपीट और गोली फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से आदित्यनाथ दुबे उर्फ बबुआ दुबे को नशे की हालत में एवं दूसरे पक्ष से अविनाश उर्फ कन्हैया दुबे को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक लाइसेंसी कट्टा, एक लाइसेंसी राइफल, एक देसी कट्टा, अलग अलग बोर की कुल 81 गोली, 107 खोखा, एक मैगजीन, एक आर्म्स लाइसेंस बुक, एक डीजे मशीन, 4 डीजे बॉक्स भी बरामद किया गया। छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक अर्जुन कुमार गुप्ता कहलगांव अनुमंडल 02 थे। कल फ्लैग मार्च के दौरान दुबोली गांव में हम लोग सूचना मिली कि यहां पर डीजे बजाकर मारपीट और गोलीबारी हो रही है। तो मारपीट गोलीबारी हम लोग बगल में ही थे तो हम लोग पहुंचे दल बल के साथ, देखिए सब लोग भाग गए हैं तो चला कि एक है कन्हैया जी और एक अविनाश दुबे जी, इन लोग के बीच मारपीट हुआ है जी। तो जब हम लोग इनको अविनाश दुबे को जब पकड़े तो बताया कि हमारे यहाँ जो है कन्हैया दुबे और उसके साथ के दो लोग जो है गोलीबारी किए हैं। जब उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ कट्टा पकड़ाया और जब दूसरे पार्टी के यहाँ उन्होंने उनको जब पकड़ लिया कन्हैया दुबे को तो बोले कि इन्होंने भी किया है, इनके पास भी अवैध हथियार है। तो फिर हम लोग इनके घर पर तलाशी लिए, जब तलाशी लिए तो इनके घर के जम्मू कश्मीर का इशू लाइसेंस जो कि एक्सपायर डेट में पहुंच गया है और एक पिस्टल, दोनों चीज मिला, साथ में जिंदा गोली भी मिला, इतना कारतूस और ये हथियार है, राइफल है, पीसी, ये सिक्सर पिस्टल है और ये कट्टा देसी कट्टा है, ये सब वहीं से बरामद हुआ। हाँ, उनके घर से, उनके घर से दोनों अविनाश दुबे के घर, अविनाश दुबे घर से बरामद हुआ ये जो कि एक्सपायर हो चुका है, जो एक्सपायर हो चुका है इसका लाइसेंस। और बबुआ दुबे के हाथ से ये वाला ये हो गया अविनाश दुबे उर्फ छोटक दुबे उर्फ ये हो गया कन्हैया आदित्यनाथ दुबे का नाम है कन्हैया दुबे, सॉरी तो बबुआ दुबे जो भी गांव का नाम है। इसमें और भी कोई संलिप्तता का कुछ आशंका है? नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं है इन लोगों के बीच। जैसे कि आदित्यनाथ दुबे का पहले का भी आपराधिक इतिहास है, और उस समय भी अवैध हथियार, इसी हथियार का उपयोग भी किया था। ये लोग क्या शराब के नशे में चूर थे उस समय? केवल एक आदमी, कौन सा? ये कन्हैया नहीं, बबुआ दुबे ही दारू पिया था।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के बड़ी अलालपुर में आपसी विवाद को लेकर 2 सगे भाई को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते दिनों पड़ोसी के बच्चे से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। होली के उत्सव में पड़ोसी जितेंद्र के द्वारा गली में फायरिंग किया जा रहा था, जिसके बाद घायल अनिल मंडल ने इसका विरोध किया। इसके बाद जितेंद्र बिंद टोली चला गया। वापस लौटने के बाद जब घायल अनिल और भोला मंडल जितेंद्र को समझाने गए तो गाली गलौज करने लगा, विरोध करने पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि 3 राउंड गोली चलाए गए, जिसमें जितेंद्र और भोला मंडल को हाथ और सीने में गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने गोलीबारी का आरोप जितेंद्र पर लगाया है। उन्होंने आगे बताया कि जितेंद्र पिछले दिनों भी गली में कई राउंड फायरिंग किया था। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही घटना के बाद पुलिस जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी पहुंची। बात छे कि पहले फायरिंग करे छे, ठीक छे, ओकरा भैया कलक तो हमरा जमीन द्वारी ने के गोली छोड़े वाला, ठीक छे, तो छोड़ना छो तो अपना घरों में जाए छोड़ चाहे बाहर छोड़ जाकर, ठीक छे, ओकर बाद इतना देरी में उन्ने से ले बिन टोली इन्ने से मैं गड़ागड़ी कर ले कि या बहन चो तोरा मारिए हमें दोनों के जाए दोनों भाई समझाए ओकरा बस इतने फायरिंग कर दिल के फायरिंग करके लग गए हमारा हाथों में भैया के लग गए छाती कहीं तब मिस होले बगल लग के भाग गए। क्या राउंड फायरिंग? 3 राउंड पूरा फायरिंग जितेंद्र मंडल विवाद रहा विवाद चले कुछ नहीं सर, वो खाली से छोटा मोटा चले बच्चा के झगड़ा और कुछ नहीं। अक्सर गोली चला मैं हमेशा कब का लो छोड़ना चले आयो फायरिंग कर दिल के ऐसा ओकरो छोड़ता है रही कभी कदाल हमें खेती गृहस्थी की करूँ भोला मंडल क्रिमिनल जितेंद्र देखिए क्रिमिनल तो नहीं रखे उखे छे बनल हाँ बनल चाहे चारू की कह पा रहा। भागलपुर की घोगा थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नू चक से घटना सामने आ रही है, जहां 11 वर्षीय बच्चे नहाने के दौरान गंगा नदी में डूब गए। पन्नू चक का रहने वाला 11 वर्षीय बच्चा अंकित अपने 4-5 साथियों के साथ नहाने गया था। सबों ने मिलकर पहले तूत के पेड़ पर चढ़कर तूत खाया, उसके बाद गंगा नदी में स्नान करने लगा। इसी दौरान अंकित का पैर फिसला और गंगा की तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों को पता चला, उसके बाद ग्रामीणों ने खोजबीन कर अंकित के शव को नदी से बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। घटना इसी तरह हुआ कि वो गंगा जी के उस पार में तूत का
पेड़ था वो तोड़ने के लिए गया था, उधर से लौटा तो नहाने लगा, चार पांच बच्चा के साथ में था। कब कब घटना घटी? कल 2 बजे के लगभग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चा सब आके बोला तो फिर जाके निकाले। पुलिस जिला नगछिया के 0 माइल हाई लेवल पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल दोनों युवक को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र के भीती निवासी छिज्जू यादव के 28 वर्षीय पुत्र दिलखुश यादव के रूप में की गई है। दिलखुश अपने संबंधी के यहाँ होली दौरान नगछिया आया था। गांव के एक दोस्त के साथ नगछिया घूमने के लिए जा रहा था, इसी दौरान नगछिया 0 माइल के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दोनों युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। जानकारी मिलने के बाद परिजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल आनंद फार्म में पहुंचे, जहां दहाड़ मार कर रोने लगे। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करता था। होली को लेकर अपने संबंधी के यहां नगछिया आया हुआ था, जिसके बाद घूमने के लिए बाजार की तरफ निकला था, इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। इधर घटना के बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। मृतक के दोस्त ने बताया कि दिलखुश के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे दिलखुश को सर में गंभीर चोट लगी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गाड़ी चला रहा थी तो गाड़ी में इसको टक्कर मारे। किसका हादसा हुआ? ये हादसा हुआ था नगुचिया पुल के आगे में। कहाँ जा रहे थे? कहाँ यही जा रहा था। कहाँ? अब कहाँ बोल रहा, नगुचिया जा रहे हैं तो इसके बजे। घर कहाँ है? अरजपुर भिट्ठागढ़ था। ये कहाँ और कहाँ से जा रहा था? घर से ही आ रहा था। घर से ही आ रहा जी। आप साथ में थे? जी सर। क्या नाम है? दिलखुश कुमार। क्या करता था दिलखुश? दिलखुश ये खेती बाड़ी करता। पिता के क्या नाम है इनका? चिचवे यादव। उनके कौन है? हम आप साथी कौन? साथी है इसका। साथी दोस्त। हाँ। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार यादव।